महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में सरकार का गठन होने के एक हफ्ते बाद मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हो गया है। सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर आए देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। इस दौरान महायुति सरकार के कैबिनेट बंटवारे का हल तलाश लिया गया है, लेकिन मंत्रियों के पोर्टफोलियो पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। फडणवीस कैबिनेट शिंदे के मंत्रिमंडल से अलग रहने वाली है। फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल के बंटवारे का फॉर्मूला सामने आया है। बीजेपी के कोटे से सबसे ज्यादा 20 मंत्री बनाए जाएंगे। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना कोटे से 12 और अजीत पवार की एनसीपी से 10 मंत्री बनाए जाएंगे। ऐसे में ढाई साल तक चली महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के लिहाज से देखें तो बीजेपी को दोगुना मंत्री इस बार बन रहे हैं, तो वहीं शिवसेना और एनसीपी के मंत्रियों की संख्या में भी पहले से इजाफा होता दिख रहा है। महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री से अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं। फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का जो फॉर्मूला सामने है उसके लिहाज से फिलहाल 42 मंत्री बनाए जा रहे हैं और एक मंत्री पद खाली रखा जा सकता है। विधायकों की संख्या के आधार पर महायुति के तीनों घटक दल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच मंत्री पद का बंटवारा हुआ है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीजेपी 132 सीटें जीतकर आई है, तो उसकी सहयोगी शिवसेना 57 और एनसीपी के 41 विधायक हैं। इस तरह विधानसभा ही नहीं बल्कि सरकार में भी बड़े भाई के रोल में बीजेपी रहेगी और उसके बाद शिंदे की शिवसेना और फिर छोटे भाई के रोल में अजीत पवार की एनसीपी है। हालांकि महायुति के तीनों दलों के बीच मंत्रिमंडल में मंत्री के बंटवारे के फॉर्मूले की औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। चुनाव नतीजे आने के बाद से शिंदे और पवार खेमा काफी सियासी दांव चल रहा है ताकि अपना सियासी पावर बढ़ा सके। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी फ्रंट फुट में खेलने को तैयार है। फडणवीस को सीएम बनाकर बीजेपी ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखा है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम है। इस तरह से शिंदे कोटे को मिलने वाले 12 मंत्री पद से अब सिर्फ 11 मंत्री ही शपथ लेंगे। अजीत पवार के खेमे से 9 मंत्री शपथ लेंगे। साल 2022 में उद्धव ठाकरे सत्ता का तख्ता पलटकर एकनाथ शिंदे ने 38 शिवसेना विधायकों को बीजेपी में शामिल कर सरकार बनाई थी, तो मंत्रिमंडल का 50-50 का फॉर्मूला यानी कि बराबर बराबर मंत्री पद का फॉर्मूला तय हुआ था। सीएम शिंदे उनके साथ आए विधायक मंत्री बने थे। बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम और पार्टी के नौ विधायक मंत्री बने थे। साल 2023 में अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर 40 विधायकों के साथ शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल हुए थे। अजीत पवार डिप्टी सीएम और उनके साथ 8 एनसीपी विधायकों को मंत्री बनाया गया था। शिंदे कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 29 मंत्री शामिल थे, लेकिन फडणवीस सरकार की कैबिनेट में सीएम सहित 42 मंत्री बनाए जा रहे हैं। इस तरह फडणवीस मंत्रिमंडल का स्वरूप शिंदे की कैबिनेट से काफी अलग होगा। महाराष्ट्र सरकार के शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार सहित सभी 28 मंत्री एक बार फिर से जीत दर्ज करने में सफल रहे हैं। शिंदे सरकार के सभी 28 मंत्रियों ने एंटी इनकम्बेंसी का जोरदार मुकाबला किया और विधानसभा में वापस लौटे हैं। एनसीपी और शिवसेना के वो नेता जिन्होंने अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ बगावत की थी, और फडणवीस के अगुवाई वाले मंत्रिमंडल का फॉर्मूला भले ही सामने आ गया लेकिन विभागों के बंटवारे पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। फडणवीस सरकार में कौन सा मंत्रालय किसके पास होगा इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना होम मिनिस्ट्री मांग रही लेकिन बीजेपी देने को तैयार नहीं है। इसी तरह वित्त मंत्रालय पर एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की नजर है। गृह और वित्त ही नहीं बल्कि राजस्व, शहरी विकास, सिंचाई और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विभागों पर भी सभी की नजर है। वन, परिवहन, उच्च और तकनीकी शिक्षा के आवास जैसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रख सकती है। इसके अलावा संस्कृति, जनजातीय विकास, सामान्य प्रशासन, कानून और न्यायपालिका और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभाग पर बीजेपी अपना दावा रख सकती है। वहीं अजीत पवार का एनसीपी खेमा वित्त मंत्रालय के साथ सहकारिता, कृषि, पंचायती, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, बंदरगाह, राहत और पुनर्वास, सिंचाई, सामाजिक न्याय और महिला एवं बाल विकास जैसे विभाग की जुगत में है। इसी तरह से डिप्टी सीएम बने एकनाथ शिंदे खुद के लिए गृह मंत्रालय चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपने सभी 9 मंत्रालयों को भी बरकरार रखने की कवायद में है। शिंदे खेमा की नज़र उद्योग और शहरी विकास के साथ ऊर्जा, राजस्व, सिंचाई और लोक निर्माण विभाग जैसे हाई प्रोफाइल मंत्रालय पर भी नज़र गड़ाए हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किनको कौन सा मंत्रालय मिलता है, लेकिन फिलहाल जो फॉर्मूला है वो तय तो हो चुका है लेकिन विभागों के बंटवारे को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार। VideoDesk AmarUjala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।